भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने एक नेक्स्ट जनरेशन की बुलेटप्रूफ जैकेट भाभा कवच को लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है भाभा कवच, क्यों यह हमारे मौजूदा बुलेटप्रूफ जैकेट से बेहतर है। भाभा कवच सबसे हल्के वजन वाला बुलेटप्रूफ जैकेट है जिसे इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। बार्क ने इस बुलेटप्रूफ जैकेट का नाम भाभा कवच रखा है। इस जैकेट का नाम भारत के महान न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखने वाले यही थे। मौजूदा समय में भारतीय सेना जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है उसका वजन 10 किलो या उससे भी ज़्यादा है। ज़्यादा वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट के इस्तेमाल से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसके साथ ही इस मौजूदा जैकेट में अमोर स्टील, एल्युमिनिया और सिलिका से बना है, यानी ये जैकेट हार्ड स्टील से बने हुए बुलेट्स का सामना पूरी तरह नहीं कर सकता। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए बार्क ने साल 2015 में भाभा कवच बनाने का प्रस्ताव रखा और बुलेटप्रूफ जैकेट को बनाने का फैसला किया। भाभा वजन में हल्का होने के साथ साथ अन्य बुलेटप्रूफ जैकेट के मुकाबले सस्ता भी है। इसमें और भी अच्छी बात यह है कि इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद इसकी क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है, यानी यह कि यह मजबूती भी उतनी ही देता है। भाभा कवच को भारतीय सैनिक अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बार्क ने इस बुलेटप्रूफ जैकेट को 3 वेरिएंट में बनाया है जो लेवल 3 और 3 प्लस तक की प्रोटेक्शन देता है। लेवल 3 प्लस बुलेटप्रूफ जैकेट का वजन 6 किलो 800 ग्राम है और यह हार्ड स्टील कोर से बनी बुलेट का सामना करने में भी सक्षम है, जबकि लेवल 3 वाले बुलेटप्रूफ जैकेट का वजन 5 किलो 300 ग्राम है और यह माइल्ड स्टील कोर से बने बुलेट को झेलने में सक्षम है। इसका एक और वेरिएंट है जिसका वजन 3 किलो 500 ग्राम है और यह भी लेवल 3 के प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है। इन तीनों वेरिएंट को इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन मिलिट्री और पुलिस फोर्स की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यही नहीं, भाभा कवच 300 डिग्री की सुरक्षा भी देता है, जिसे माना जाता है कि आतंकवाद और नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। भाभा कवच को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अब 5 से 10 मीटर की दूरी से भी 7.62 mm की AK-47 का भी सामना कर सकता है। इसके साथ ही यह जैकेट 5.56 इंच SLR और 7.62 mm की राइफल की दागी हुई गोली को भी झेलने में सक्षम है। भाभा कवच भारत की पहली ऐसी बुलेटप्रूफ जैकेट है जिसमें बोरोन कार्बाइड का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भाभा कवच का टेस्ट लगभग 30 बार असफल रहा, लेकिन इसके बाद इसे सफलता मिल गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बुलेटप्रूफ जैकेट को पूरे स्वदेशी तौर से विकसित किया गया है, जो कि एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाहिर है कि भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बड़ी संख्या में बुलेटप्रूफ जैकेट की मांग है।